अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, विंटर इज कमिंग, सर्दियां आए और हम कश्मीरी सब्स चाय ना पिए जब तक तो हमें सर्दी का मजा ही नहीं आता है। चाय कॉफी तो हम रूटीन में पूरा साल पीते हैं, लेकिन सर्दियों की स्पेशलिटी ये होती है कि जब हम रात को एक कश्मीरी सब्स चाय का कप लेते हैं तो पता लगता है कि बाकी सर्दियां भी आई हैं और ये बहुत ही अच्छी रिफ्रेशमेंट है। अच्छा, कश्मीरी सब्स चाय में यह है कि हम डेली बेसिस पे तो इसको घर में बना नहीं सकते क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो इसका एक सॉल्यूशन होता है कि आप इसको एक बार बना के रख लें और फिर इसको एक हफ्ता, दो हफ्ते या पूरा महीना यूज करें। आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बता रहे हैं कि आप कश्मीरी सब्स चाय बना के रख लेंगे फ्रिज में और उसको पूरा एक महीना तक आप इंजॉय करेंगे डेली। आप जस्ट, आपको 5 मिनट लगेंगे दूध मिक्स करके आप उसको बना लेंगे और चाय का एक कप आप इंजॉय करेंगे। बहुत सी रेसिपीज हैं कश्मीरी सब्स चाय की जिसमें कि इसका पाउडर बना के उसको रख लेते हैं और फिर उसके अंदर दूध या पानी गर्म ऐड करके उसको पीते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है थोड़ा पाउडर मिल्क यूज करते हैं तो उससे उसका टेस्ट इतना मजे का नहीं रहता है जो जनरल कश्मीरी सब्स चाय का टेस्ट होता है। और दूसरा ये है कि वैसे भी चूंकि वो प्रॉपर पानी में उबली नहीं होती तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। हम आपको जो आज एक रेसिपी बता रहे हैं वो लिक्विड हम उसका बनाएंगे, उसका कहवा बना लेंगे, इसको बना के आप फ्रिज में रख लेंगे, ये एक महीना इजिली निकाल जाता है। डेली आपने क्या करना है कि उसको लिक्विड को निकाल के उसमें थोड़ा दूध ऐड करके, चीनी ऐड करके आप उसको बॉईल करना है और उसको एंजॉय कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज कश्मीरी सब्स चाय रेसिपी। सबसे पहले आपको इसके हम इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। ये देखें, हमने क्या करना है कि तकरीबन 1.5 लीटर बोतल जो है ना पानी की, वो हमने तैयार करनी है। उस हिसाब से ये आप क्वांटिटी देख सकते हैं। सबसे पहले ये जो कश्मीरी सब्स चाय है, उसके बाद सब्स इलायची है, ये दालचीनी है और ये आबादियां खताई है और ये फूड कलर है पिंक कलर। आपने क्या करना है कि हमने चूंकि 1.5 लीटर इसकी एक बोतल बना के तैयार करके रखनी है तो हम 3 लीटर पानी लेंगे। 3 लीटर पानी लेके ये सारी चीजें उसके अंदर ऐड करके उसको फिर हम तकरीबन आधा घंटा तक बॉईल करेंगे और इतना बॉईल करना है कि वो 3 लीटर से 1.5 लीटर पानी रह जाए। उसके बाद उसको ठंडा करने के बाद उसको छान के बोतल भर के हम फ्रिज में रख लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको बॉईल करना। तो सबसे पहले जो है हम तकरीबन 3 लीटर पानी जो है पतीले के अंदर डाल देंगे। ये इलायचियां जो है इसको आपने हाथ से थोड़ा खोल लेना है ताकि उसके बीज निकल आए। इलायचियां, कश्मीरी सब्ज चाय, दालचीनी, बादिया खदाई, सारी चीजें आप इकट्ठी इसके अंदर ऐड कर देंगे। फूड कलर जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करना है और थोड़ा बाद में करेंगे हम, वो मैं बाद में आपको इसको बताता हूं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दे और इसको अब आपने पकाना है और पकाते हुए इसको अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि फेंटना चाय को, जो प्रॉपर तरीके से फेंटा जाता है, क्योंकि इसका कलर जितना आप इसको अच्छे तरीके से फेंटेंगे इसका कलर उतना ही अच्छा निकलेगा। कहवा जो उबल रहा है अब हम उसके अंदर जो है वो फूड कलर पिंक कलर है हमारे पास, वो थोड़ा उसमें ऐड करना है। तो वो उसकी लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, ये देखें तकरीबन इतनी क्वांटिटी में बस ऐड करना है। थोड़ा सा मैंने जो है गर्म पानी लिया है, 1-2 घूंट, उसके अंदर आपने इसको मिक्स करके ये इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे उसका कलर जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त आ जाता है। बाकी आप जितना इसको फेंटेंगे उसका कलर उतना ही ज्यादा जो है वो खूबसूरत निकलेगा। ये आप क्लोजअप में देख सकते हैं, थोड़ा उसका कलर देखें कितना आप खूबसूरत देखने में महसूस हो रहा है। ये पानी आप देख सकते हैं तकरीबन उसमें से हाफ हो गया, तकरीबन ये 1.5 लीटर रह गया है। तो अब हम जो है चूल्हा बंद कर रहे हैं।
अब इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको छान के हम इसको बोतल में डाल के तो इसको फ्रिज में रख लेंगे। अभी आपको एक कप हम चाय का तैयार करके भी दिखाते हैं। बस लीजिए जी, हम चाय का कप बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना ये डिलिशियस बनेगा। इससे पहले एक दो चीजें आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपने कहवा जब भी इसको फ्रिज से निकालना है, इसको ठंडा नहीं उसके ऊपर डालना है आपने, इसको थोड़ी देर आपने बाहर रखना है ताकि उसका टेम्परेचर जो नॉर्मल हो जाए। इसी तरह से हम एक मिस्टेक करते हैं, दूध को भी फ्रिज से निकाल के फौरन से पैन के अंदर डाल के चाय बना देते हैं तो वो ठंडा हो गया, अचानक जब गर्म होता है तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। एटलीस्ट जो है 10 मिनट्स के लिए आपने चीजों को जो है बाहर निकाल के रखना है, उसके बाद उसको आप फिर वो चाय को बनाइएगा। हम चाय के 2 कप बना रहे हैं तो उसके अंदर जो हमने ये कहवा लिया है इसका, ये आधा कप मैंने लिया है और दूध जो है वो तकरीबन 1.5 कप है, 1.5 कप से थोड़ा ज्यादा ही है। ये दोनों को आप मिक्स कर दें और चीनी भी इसके अंदर ऐड कर दें, वो जितनी भी आप वो लाइक करते हो उतनी चीनी डालें और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हमें पकाना होगा। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत कलर इसका निकला है। इसको तकरीबन आप 5 मिनट के लिए पकाएं। ले फ्रेंड्स, हमारी कश्मीरी सब चाय तैयार हो गई है। हम उसका कप जो है उसका गार्निश जो हमने काटा हुआ है ये पिस्ता और बादाम है वो उस पे ऐड करते हैं। बहुत ही मजे का टेस्ट है और चाय की खुशबू भी बहुत प्यारी है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन इसको ट्राई करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।